मुख्य शब्द कीवर्ड्स वृद्धि परिवर्धन समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन किशोरावस्था गर्भावस्था भ्रूण युग्मनज युग्मक लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन। हमने सीखा सजीवों में वृद्धि हमेशा एक निश्चित दर से होती है। समय के साथ साथ भार का बढ़ना वृद्धि है। जीवों के शरीर में अलग अलग भागों के निश्चित अनुपात में वृद्धि से परिवर्धन होता है। परिवर्धन में एक कोशिका के आकार और आकृति में परिवर्तन के साथ साथ पूरे बहुकोशी के संरचना के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। सभी जैविक प्रक्रियाओं के समान ही प्रजनन भी एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इससे किसी भी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। अलैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन के समान नर और मादा की जरूरत नहीं होती। एकल जीव से ही अगली पीढ़ी का जन्म होता है। अलैंगिक प्रजनन से मातृ कोशिकाओं जितना अनुवांशिक पदार्थ पूरा सेट जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन से जनन कोशिकाओं में मातृ कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ की एक ही प्रतिलिपि आधा सेट होती है। ऐसी जनन कोशिकाओं को युग्मक कहा जाता है। पौधों में परागण के पश्चात निषेचन होती है, जो जंतुओं में यौन क्रिया के पश्चात। हमारा स्वास्थ्य तभी बना रहेगा जब हम हमारे संपूर्ण शरीर के संबंध में सचेत हो और साफ सफाई का ध्यान रखें। लैंगिक स्वास्थ्य हमारे समग्र शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। परिवार नियोजन के उपाय अपनाना खुद के परिवार के और समाज के लिए जरूरी है। परिशिष्ट अलैंगिक प्रजनन कई प्रकार से होता है, जिनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला विखंडन फिजन। जीव दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है। इस विधि का अध्ययन आपने क्रियाकलाप 5 में जीवाणु में किया। इनके अलावा यह अमीबा पैरामिशियम मलेरिया परजीवी आदि में भी देखा गया है। दूसरा मुकुलन बडिंग। किसी जीव के शरीर की बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। हाइड्रा ईस्ट आदि में देखा जा सकता है। तीसरा बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन। इस विधि में जीव में कुछ विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु से नए जीव का निर्माण होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अक्सर बीजाणु बनते हैं। ऐसा जीवाणु कवक म्यूकर राइजोपस आदि में देखा जा सकता है। चौथा पुनरुद्भवन रीजनरेशन। प्लेनेरिया हाइड्रा आदि जीवों का शरीर कई कारणों से टुकड़ों में टूट जाता है और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक सहित इन टुकड़ों से विकसित होकर नया जीव बन सकता है। पांचवा वर्धी प्रजनन वेजिटेटिव प्रोडक्शन। जनन कोशिकाओं के अलावा अन्य किसी अंग से जीव का बनना वर्धी प्रजनन कहलाता है। क्रियाकलाप 4 में हमने आलू के टुकड़ों के द्वारा पौधों का बनना देखा। इसके अन्य उदाहरण हम और भी देखते हैं, जैसे शाखा कलम के द्वारा गुलाब और अंगूर में, जड़ों के द्वारा परवल और कुंदरू में, पत्ती से बिगोनिया ब्रायोफाइलम में, रसभरी व नींबू में पर्णकलिका के द्वारा नए पौधे बनते हैं।